हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ हस। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख इम्पॉर्टेंट डे। आज है 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पृथ्वी को बचाने के लिए और पृथ्वी को हमेशा स्वच्छ रखने के लिए यह मुहिम चलाई गई है, जिसमें लोग आप भागीदारी करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही जटिल समस्या है वर्तमान समय में और इसे जो है प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को बचाया जा सके। चलिए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस, डी नेपाल। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने इकोसाइड को अपराध जो है घोषित किया है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना जो है एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में जाएगा। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की सजा या 3 लाख यूरो का जुर्माना होगा। तो देख लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है और बड़ा शहर भी जो है पेरिस है। यहाँ की भाषा जो है फ्रांसीसी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं, फिर मुसलमान, फिर बौद्ध, फिर यहूदी। और यहाँ के निवासियों को जो है फ्रांसीसी कहा जाता है। सरकार यहाँ पर एक ही अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य है। राष्ट्रपति यहाँ पर हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। और यहाँ की जो विधानमंडल है वो संसद है और उच्च सदन को जो है सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। ये रहा मैप में फ्रांस। और फ्रांस के जो है पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है और पूर्व में जो है मेडिटेरियन सी है। और इसके पड़ोसी देशों में स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और इधर यूनाइटेड किंगडम है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है पंजाब, डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने जो है कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया है। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। इस दौरान जरूरी और चिकित्सा सेवा बहाल रहेंगी, जबकि केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलग केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय खुले रहेंगे। मतलब बहुत ही सेलेक्टेड फील्ड्स को जो है इस कोरोना महामारी के दौरान खोलने की इजाज़त है। और ये रहा जो है झारखंड, भारत के मानचित्र में झारखंड। और ये झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी राजधानी जो है रांची है, सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है और इसमें जो है कुल 24 ज़िले हैं। राजभाषा हिंदी है और इसका गठन जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 में किया गया था। और इसके सरकार के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और विधानमंडल
एक सदनात्मक है, तो यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा की जो है 82 सीटें हैं और भारतीय संसद में लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14, और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय, चलिए आगे चलते हैं। झारखंड के बारे में और जानकारी लेते हैं। झारखंड के जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, उत्तर में जो है बिहार है और दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य सटे हुए हैं। और यहाँ पर एक जो है हुंडरू जलप्रपात भी है जो कि सुवर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात रांची में अवस्थित है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? ए सुमित्रा भावे, बी पीयूष सिंह, सी नागराज मंजुले, डी गजेंद्र अहिरे। तो इसका सही आंसर है सुमित्रा भावे, मराठी फिल्म निर्माता हैं जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, और ये इनकी तस्वीर है। सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील खुक्तनकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थीं। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्म में सामाजिक मुद्दों को संभालने के उनके तरीके के लिए जानी जाती थी। मतलब इनका जो है मूवी के क्षेत्र में सामाजिक मुद्दे और जो है कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ कंटेंट्स रहती थी, जो कि बहुत ही सामाजिक मुद्दों पर आधारित ही रहती हैं। तो जो है इनका निधन हो गया है और इनकी जोड़ी जो है सुनील खुक्तनकर के साथ जो है लोकप्रिय रही। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो जो ये लघु रोबोट है इंजेन्युइटी, तो इसे जो है किस ग्रह पर जो है सफलतापूर्वक उतारा गया है? ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी पृथ्वी, डी मंगल ग्रह। तो नासा ने इसको जो है मंगल ग्रह पर उतारा है। छोटा सा हेलीकॉप्टर रोबोट है इंजेन्युइटी। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान थी। पृथ्वी पर ऐसी उड़ान संचालन वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में प्रदर्शित की थी। इंजेन्युइटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के पर्सिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसे जो है पर्सिवरेंस रोवर के द्वारा ले जाया गया था और इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी। तो ये दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। आगे देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्ट नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ए नेपाल, बी रूस, सी जापान, डी चीन। तो साइबेरिया में जो है बैकाल झील, यहाँ पर जो है बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर के नाम से जो है सबसे बड़ा अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लगाया गया है। तो ये लगाया गया है रूस में। रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित स्रोतों का निर्धारण किया जा
सके। तो न्यूट्रिनो का जो है अध्ययन करने के लिए इस टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, ए है 20 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 21 अप्रैल, डी है 19 जुलाई। इसका सही आंसर है 21 अप्रैल। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं भी शामिल हैं? इटली ने जो है मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है और किस देश में लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी रूस। इसका सही आंसर है भारत। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। यह देश में शुरू की गई पहली इतावली भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इतावली मतलब इटालियन और भारतीय मतलब भारतीय है ही, खाद्य परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरैक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। चलिए आगे देखते हैं, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत के पड़ोसी देशों में ये है पाकिस्तान, उसके बाद ऊपर है अफगानिस्तान, ये है चीन, और उसके बाद है म्यांमार, और हमारा पड़ोसी देश जो है यहाँ पर नीचे श्रीलंका है। तो भारत सरकार जो है संघीय संसदीय राज्य व्यवस्था है। तो इसमें राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबड़े हैं। विधानमंडल भारतीय संसद जो है 2 सदनात्मक है, उच्च सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को जो है लोकसभा कहते हैं। तो भारत जो है स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ है और जो है गणतंत्र जो है बना है 26 जनवरी 1950 को। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इस वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो अंतरिक्ष एजेंसी जो है रॉसकॉसमॉस जो है अक्टूबर माह में लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो यह कौन से देश की है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जो है रॉसकॉसमॉस इस वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। चलिए देखते हैं आज के प्रमुख न्यूज़ पॉइंट्स। सरकार ने कहा कि देश के 146 जिले में कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक होना बहुत चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिए कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। स्वदेशी वैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीज पर 100% प्रभावी पाया गया है। कुल मिलाकर कोवैक्सीन 78% प्रभावी है। महाराष्ट्र के नासिक में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंक में रिसाव होने से 22 रोगियों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश और असम के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं
ने राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की केंद्र की सराहना की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो आज जो है यहाँ पर मतदान होंगे छठे चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे आज। तो ये आज है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबंधित उत्पादों के निर्यात में 18.49% की वृद्धि, कृषि और संबंधित उत्पाद में जो है 18.49% की वृद्धि। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन को हराया। तो यहां पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद जो है विजयी रही। और मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है मैच जीत लिया है। ये रहे आज के हमारे प्रमुख क्वेश्चंस और न्यूज़ पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।